डायबिटीज़ को लेकर लोगों के मन में कई गलत धारणाएं होते हैं, जैसे ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए तो डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होता। और तीसरा जो भ्रम है, डायबिटीज़ के लिए अलग तरह का डाइट होना चाहिए। दोस्तों, इन सब भ्रम दूर करने के साथ साथ हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ किसको और क्यों होता है, और डायबिटीज़ का सिम्टम क्या क्या है, यानी आपको पता कैसे चलेगा आपको डायबिटीज़ हुआ है, और साथ ही बात करेंगे आपको डायबिटीज़ ना हो इसके लिए आप क्या करें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहला चीज़ डायबिटीज़ क्या है। दोस्तों, एक लाइन में अगर कहा जाए तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल बीमारी है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लूकोज हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं को एनर्जी सप्लाई करती है। लेकिन इस एनर्जी सप्लाई के पीछे इंसुलिन हार्मोन का हाथ होता है। इंसुलिन हार्मोन शरीर के हर एक कोशिकाओं को डीलॉक करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। अगर किसी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन का पैदावार ना हो या बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, इससे कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलती। इसीलिए डायबिटीज़ होने पर लोगों को थकान महसूस होता है और खून में ग्लूकोज का मात्रा बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके शरीर में फास्टिंग यानी खाली पेट अगर टेस्ट कराए तो शुगर की मात्रा 100 mg पर डेसीलीटर के अंदर रहना चाहिए, और खाने के 2 घंटा बाद जो टेस्ट कराते हैं जिसे हम लोग PP कहते हैं, उसकी मात्रा 140 mg पर डेसीलीटर के अंदर रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर जाता है तो मरीज डायबिटीज से पीड़ित है ऐसा समझा जाता है। अब बात करेंगे डायबिटीज़ किसको होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ 2 किस्म का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है एक किस्म का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। आमतौर पर आपके पुरखों में अगर किसी को डायबिटीज़ थी या टाइप 1 डायबिटीज़ थी तो उसके पुरखों के जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से कोई भी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। इस बीमारी में आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इंसुलिन हार्मोन का पैदावार ही नहीं होता, और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। और दूसरा किस्म का जो डायबिटीज़ है यानी टाइप 2 डायबिटीज़, ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, किसी को भी हो सकता है। अगर किसी का लाइफस्टाइल ख़राब है यानी सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, वजन ज़्यादा है, बैठे बैठे काम करते हैं यानी शारीरिक कसरत नहीं करते, और फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल के अंदर और एक चीज़ आता है, वो है स्ट्रेस। अगर आपके जीवन में काफ़ी सारा तनाव है, रात को अच्छे से नींद नहीं होती और आप रात भर जागते रहते हैं, तो इसके वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आप पता कैसे लगाएंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ होने पर आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, मुंह सूख जाता है। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल जब बहुत हद तक बढ़ जाता है तब ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं। लेकिन आम तौर पर डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता। जब आप पता लगाएंगे यानी कोई टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। डायबिटीज़ का जो इंस्टेंट इफ़ेक्ट है यानी नुकसान है वो कम है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप डायबिटीज़ का शिकार होते हैं तो इसे लंबे समय के लिए आपका किडनी ख़राब हो सकता है, और आँखों का रोशनी जो है वो कमज़ोर होता है, और आपको हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। तो लंबे समय के लिए डायबिटीज़ बेहद घातक होता है, इसीलिए हम लोग डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपके अंगों को ख़राब कर देता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, आपको डायबिटीज़ ही ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, 2 किस्म का जो डायबिटीज़ है उसमें पहला नंबर पर टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से होता है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। लेकिन दूसरा किस्म का जो डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, ये लाइफस्टाइल ख़राब के कारण होता है, लाइफस्टाइल बीमारी है। तो आप लाइफस्टाइल को सुधार के इस बीमारी को भी आप नियंत्रण में रख सकते हैं।
जैसे आपको खान पान अच्छा करना है, स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करना है, साथ ही एक्सरसाइज भी करना है। ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के कई गलत फहमियों के बारे में, भ्रम के बारे में, जो आम तौर पर लोग मानते भी हैं। सबसे पहला भ्रम, मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ होती है। दोस्तों, मीठा खाने से मीठा में ज़्यादा कैलोरी होती है, जो इनडायरेक्ट तौर पर डायबिटीज़ को न्योता देता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी या कैलोरी लेने से आपके शरीर में मेद जमता है, आपका वजन बढ़ता है, बाद में जाकर आपको डायबिटीज़ होती है। लेकिन डायरेक्ट तौर पर मीठा के साथ डायबिटीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ कब होता है? अगर आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए या इंसुलिन हार्मोन के कमी के वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं पर पहुंच नहीं पाता या कोशिका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर आपके शरीर में इंसुलिन है, चाहे आप कितना भी मीठा खा लें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। दूसरा भ्रम है, डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए तो कभी ठीक नहीं होता। दोस्तों, अगर शुरुआती दौर में आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चल जाए, यानी आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो अगर बॉर्डर लाइन में रहता है, तो आप अगर लाइफस्टाइल सुधार लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसे लंबे समय तक आप मेंटेन कर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे और साथ ही आप फिज़िकल कसरत करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तो आपको शायद डायबिटीज़ बाद में जाकर भी ना हो। इसीलिए ये मान लेना, एक बार अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 के पार हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं आप डायबिटीज़ से पीड़ित हो चुके हो। अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको जीवन भर डायबिटीज़ शायद ना हो। डायबिटीज़ के बारे में तीसरा जो भ्रम है, वो लोग ये सोचते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को अलग से स्पेशल डाइट या स्पेशल फूड को लेना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि आम लोग जो हेल्दी डाइट लेते हैं वही डाइट कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ भी ले सकता है। लेकिन उसे 2-3 चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। खासकर डायबिटीज़ का पेशेंट को कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। अगर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं पता, तो उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट को डॉक्टर मना करता है चावल ज़्यादा लेने के लिए। क्यों मना करता है? क्योंकि चावल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर जल्दी घुल जाता है और जल्दी ग्लूकोज को रिलीज़ कर देता है, जिसके कारण अचानक खून में शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही अगर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक आपका ग्लूकोज धीरे धीरे करके रिलीज़ करता है, जिससे अचानक खून में शुगर का मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे करके बढ़ाता है। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं चावल के बदले रोटी खाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ से जुड़ी कई भ्रम के बारे में आपके मन में जो धारणाएं थी, उससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिला। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।